पुत्र मोहि देरी भई आने में। बेटा मैंने आने में देर बहुत कर दी, लेकिन फिर भी तुमने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। अरे हिरण्यकश्यपु ने तुम्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम्हें बहुत दुख दिए, फिर भी बेटा तुमने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। हो सके तो बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैंने आने में बहुत देर कर दी। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रही हो, यदि आपने आने में देर की होती तो प्रभु मैं तो कब का मर गया होता। सत्य तो ये है कि मैंने आपको जब जब पुकारा तब तब आप दौड़ी आई और आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। प्रभु मेरे पीछे आपको न जाने किन किन रूपों में आना पड़ा। हो सके तो प्रभु यारी भक्तों, भगवान ने कहा कि बेटा अब तुम इस पृथ्वी पर भोग भोगो, अंत में तुम्हारा अटल अमर पद इंतजार करेगा। इतना कहकर श्री हर नारायण अंतर ध्यान हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भक्त और भगवान की। इस तरह से प्रहलाद जी ने दुख बहुत उठाई, पर उन्होंने परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़ा। अंत में प्रहलाद जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। प्यारी भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो बहुत लेता है और भक्तों को दुख भी बहुत मिलता है। और जो भगवान से बैर करते हैं, भगवान को ही नहीं मानते हैं, वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। भगवान ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उन लोगों को धन बहुत देते हैं कि माया के चक्कर में ये अंधा हो जाए, अपनी जिह्वा से कभी मेरा नाम न ले पाए, और जितनी ये पाप करेगा उतनी ही जल्दी पाप का घड़ा भर जाएगा, फिर उतनी जल्दी ही फूट जाएगा। और भगवान अपने भक्तों को इसलिए दुख देते हैं कि सुख के चक्कर में, माया के चक्कर में मेरे भक्तों मुझे ना भूल जाएं, इसलिए भगवान भक्तों को दुख देते हैं। आगे चलकर इन्हीं प्रहलाद जी का एक पुत्र हुआ जिनका नाम बहरोचन पड़ा, और बहरोचन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बलि पड़ा। बलि बहुत बड़ी राजा हुए, दानवीर हुए, और बलि जो राजा हुए वो राक्षसों के राजा हुए, और राक्षस आगे बढ़ते जा रहे हैं, देवता पिछुड़ गए, पीछे को रह गए।
बोली कृष्ण भगवान की। सभी भक्त एक बार गाएंगे, ताली बजाते होंगे और आ जाए जो भक्त गोड़।